नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 13 नवंबर 2022, और यहां पे 14 नवंबर 2022 के लिए यानी कि सोमवार मंडे के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर, ध्यान से सुने, कोई पर्सनल बाइंग या सेलिंग की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिए, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कॉल्स वगैरह मिलता है। प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो, फायर, सेलाइस ब्लू, एंजल वन, जीरोधा, सैमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड करूंगा। तो चलिए शुरुआत करूंगा सबसे पहला स्टॉक की तरफ, जो 14 नवंबर 2022 के लिए सेलेक्ट किया है। उसका नाम है दोस्तों टेक महिंद्रा का। अब देखिए ये टेक महिंद्रा का 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का है ना। अब 15 मिनट के चार्ट पे क्या दिख रहा है टेक महिंद्रा में, कि गैप अप ओपनिंग हुआ था। गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये स्टॉक काफी अच्छे तरीके से डाउन आया, करेक्शन किया, ये गैप अप गया, करेक्शन किया, करेक्शन करने के बाद एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना लिया है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न जिसका ब्रेकआउट हो सकता है तो एक अपसाइड के मूवमेंट अच्छा बनेगा, अदरवाइज यहाँ से रिजेक्शन हुआ है तो यहाँ से भी रिजेक्शन लेके नीचे गिर सकता है, ये ऐसे भी संभावना यहाँ पे बन रहा है। तो खरीदेंगे टेक महिंद्रा को अगर ये 1066 रुपये के ऊपर निकलता है तो बाय करेंगे, बाय अबव 1066, 1066 के ऊपर खरीदना है। पहला टारगेट होगा 1073, 1073, दूसरा 1080, 1080, और तीसरा 1087, 1087 का स्टॉप लॉस 1059, 1059 का लगाएंगे। अगर ये नीचे ब्रेक करता है दोस्तों 1054 को तो सेल करेंगे, सेल बिलो 1054 पहला टारगेट हो जाएगा, 1047 1047 रुपये का, दूसरा 1040 1040, और तीसरा 1033 1033 रुपये का स्टॉप लॉस 1061 1061 का लेके चलेंगे। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करना है दोस्तों, उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग को एग्जीक्यूट करें तो ही ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड करके चल सकते हैं। तो ये पहला स्टॉक है टेक महिंद्रा। सेकंड स्टॉक की तरफ बढ़ूंगा जिसका नाम है सन फार्मा। ये भी आप देखिए 15 मिनट के चार्ट पे एक ट्रायंगल पैटर्न बनाते हुए ट्रेड कर रहा है, और ये है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट एरिया है और यहाँ एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर इस एरिया को ऊपर निकालता है तो आपको मूवमेंट बनेगा अपसाइड का, अदरवाइज अगर ये सपोर्ट एरिया ब्रेक करता है तो डाउनफॉल भी हो सकता है यहाँ पर। तो खरीदना होगा हम लोगों को सन फार्मा अगर अपसाइड में ऊपर की तरफ 1018 को ब्रेक करता है तो बाय करेंगे, बाय 1018 पहला टारगेट, 1025 1025, दूसरा 1032 1032, और तीसरा 1039 1039 का स्टॉप लॉस 1011 1011 का लगाएंगे। अगर ये नीचे 1007 को ब्रेक करता है दोस्तों तो सेल करेंगे, सेल बिलो 1007 पहला टारगेट 1000 1000, दूसरा 993 993 और तीसरा हो जाएगा 986 986 रुपये का स्टॉप लॉस 1014 1014 रुपये का लेके चलेंगे। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50-70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप स्टॉप लॉस टेल करके दोस्तों चल सकते हैं यहाँ पे। तो ये है सेकेंड स्टॉक सन फार्मा। तीसरा और फाइनल स्टॉक जिसका नाम है टाटा कंज्यूमर। आप यहाँ पे देखिए 15 मिनट के चार्ट पर अगर टाटा कंज्यूमर को, तो एक प्राइस चैनल में पूरा दिन ट्रेड किया, गैप अप ओपनिंग किया, उस गैप अप ओपनिंग को इसने यहाँ पे एग्जॉस्ट कर लिया, खत्म कर लिया, यानी कि सारा प्राइस को यहाँ पे डीके कर दिया नीचे, है ना। लेकिन एक अच्छी चीज ये रही कि ये प्राइस चैनल के अंदर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो इस प्राइस चैनल के ऊपर या नीचे निकलता है तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। तो खरीदेंगे 775 रुपये के ऊपर, बाय 775 पहला टारगेट, 780 785 790 स्टॉप लॉस 770 770 का लगाएंगे। अगर ये नीचे ब्रेक करता है 768 को तो सेल करेंगे, सेल बिलो 768 पहला टारगेट, 763 763 दूसरा 758 758 और तीसरा 753 753 रुपये का लेके चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 773 773 रुपये का। तो दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कभी ना करें, और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। साथ ही अगर आप स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में होना चाहते हो तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।